बताइए ना सर जी, आप बताइए, हमारी बात सुनिए, सबसे पहले हमारे जवाब दीजिए। ये रुकिए रुकिए, ठीक है, हमारा जवाब दीजिए। ये बाबा साहब की यूनिवर्सिटी है, किसके उद्देश्य से बनी थी? बाबा साहब के विचारों को पूरे देश में फैलाया जाए। इतना बता दीजिए, वो काहे फाड़ा गया है? ये फाड़ा क्यों गया? बाबा साहब की प्रतिज्ञा थी, कोई और किसी बात। अब ये जवाब दीजिए, हम मंदिर का विरोध नहीं किए, 2014 में मंदिर किसके आदेश है, किस प्रोफेसर ने बनाया था? कोई बोला क्या धार्मिक स्थल है ये? यह धार्मिक स्थल है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, चुप मत खड़े होइए। हमें यह जवाब दीजिए, बाबा साहब की यूनिवर्सिटी में बाल पढ़ाया गया है, पैसा लगा दी गई, महाशिवरात्रि। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने मेरी बात सुनिए। भांग बांटने का किसने ऑर्डर दिया? पहले मेरी भांग बांटी जाएगी बच्चों, पहले ये पोस्टर क्यों फाड़ा गया? बाबा साहब की प्रतिज्ञा क्यों फाड़ी गई? पोस्टर क्यों फाड़ा गया? सभी लोग हमें एक लोग बोल लो, या तो एक डॉक्टर को पहले बोल लो। देखिए ऐसा है ना भाई, हमारे नॉलेज में अभी तक ये जानकारी नहीं थी। मैंने फोन किया था, रुके 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 यार, पहले बोल लें दो, पहले आपने हमको फोन किया, हमको नहीं फोन आया। चलिए बोलिए, तो हमारे पास कोई जानकारी ऐसी नहीं थी। दूसरा ग्रुप वहाँ 50-60 लड़के बैठ गए थे, ठीक है, तो उनको हम किसी तरीके से वहाँ से हटाए, ठीक है। फिर उसके बाद हटाने के बाद हम लोगों ने ये बात हुआ कि भाई हमको ये पता लगा अभी कि आप लोग भी यहाँ हैं, तो हमारी ये इच्छा हुई कि आपसे भी बात कर लें, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि देखो हम अपनी स्थिति क्लियर कर दें कि मैं कार्यवाहक हूँ, मेरे से आशा जो बहुत कर रहे हो तो बहुत उम्मीद नहीं है। देखो सीधी सी बात है, हमारे भी लिमिटेशन है, मलिक साहब नहीं है, हमको चार्ज देंगे, चार्ज लिए थे, तो आपकी बात सुन रहे हैं, उनकी भी बात सुन रहे हैं, और हम अपने लेवल पे कोई सक्षम अधिकारी नहीं है कि नहीं हम जो भी हमारा जो आपकी बात होगी वो हम उनकी पहुंचाएंगे। और पहले हमारे क्या फाड़ा है बताओ? नहीं नहीं सुनिए, प्रतिज्ञा क्यों फाड़ी गई? वो सामने लगे थे, क्यों फाड़े गए? सामने वो इंटरनेशनल मैटर बनेगा। कौन तुम लोग ऑर्डर दिया? अरे यार सुन लो, सुनो यार, 7:30 करीब मेरे को कल शाम को सूचना मिली कि बच्चे कुछ लगा रहे हैं। मैंने क्या लगा रहे हैं? तो उसने मेरे को बताया, दिखाया, मैंने कहा ठीक लग रहा है, लग रहा है। अभी कुछ गार्ड जो है, जब कुछ लोग थोड़ा सा विरोध किए, लेकिन नहीं नहीं फाड़ना नहीं, फिर मैंने मना किया, उसको फाड़ना नहीं लग रहा, एक दो फट गए हूँ। जब हम फटेगा नहीं, जब तुरंत फोन किया सैनी जी, यार सैनी जी को हमने कहा कि मैंने मना जवाब छोड़ दीजिए। हमने इनको तुरंत कहा अगली बार FIR दर्ज कराएंगे। आपने किस सूचना मिली? आपने खुद कल बोला है, किसी बंदे से बोला है? और पहली बार अब कल फिर यहाँ ये हमें ये भी बता, अगर बाबा साहब की बात नहीं है तो ये धार्मिक स्थल क्यों बना यहाँ पे? अब कल पूरे जो श्याम सिंह आरएसएस के हैं, जो और अलग है, वो क्यों आए थे यहाँ पे? बाहरी लोग क्या कार्यक्रम करने आते हैं? मेरे पास सारी फोटो है, अगर प्रूफ करके दे दीजिए विश्वविद्यालय के साथ। बाहरियों के अलावा नहीं है, मेरे पास फोटो है पूरा गया है। बाबा साहब धरना दे रहा है, सर सब जान
जानकारी ही नहीं, आके बाहर के लोग बैठ जाते हैं। सुनिए, कोई बात नहीं, सुन लीजिए सर, रुक जा, हम बोल रहे हैं, सब लोग बोल छोड़िए। मतलब आप आदेश नहीं दिए ना फाड़ने का, आप लोग तो उठा के उन दोनों को सस्पेंड कर दीजिए, जाने दीजिए सस्पेंड, जिन्होंने फाड़ दिया तुरंत कर दीजिए। अपने आप ही सब डिसीजन लेने लगेगा, तो डिसीजन अथॉरिटी का कोई मतलब ही नहीं। अरे आप या तो फिर आप कहे हैं, आप कहे होंगे तभी तो। अगर देखो, इतना हम जरूर जानते हैं कि हमारे ये नॉलेज में आया तो हमने तुरंत कहा कि वो रोकिए, पहले रोकिए, ठीक है सर। हमने गार्ड से पूछा, ऑर्डर दिया, अब बताइए, सीधा बोल दिया गार्ड ने, यही खड़े इन्होंने बोला, वो कुछ करने लगे, हम तुरंत मौके पर नहीं, हम एक्शन नहीं लेने कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं ना, मैं जांच कराऊंगा, पता करेंगे, नहीं है जरूरत है। अरे यार, ऐसे नहीं एक्शन, आपके कहने से एक्शन में नहीं लूंगा। वही बोल रहा हूँ, क्या जरूरत है, सामने पड़ा गया तो बना, चर्च बना, विरोध अभी मिसी साहब बने, मिसी साहब ही बना, फंड किसका लगा, 2014 हाँ 2014 में रोकने क्यों नहीं आया, वो मुद्दा नहीं है। नहीं, ये बताइए, नहीं पहले ये बताइए, किसके आदेश पे, अगर नहीं सर कह रहे हैं हमें आदेश नहीं दिया, आपने आदेश नहीं दिया तो एडमिन ब्लॉक में जो हटाए गए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने, ओल्ड रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने जांच कराएंगे, सिक्योरिटी वाले ग्रुप में जो उसमें सिक्योरिटी ने ये कहा है कि लगाना सर ने कहा है, लगाना सर का आदेश है, मैंने कहा, मैंने कहा सर कह रहे नहीं सिक्योरिटी ग्रुप में आके नहीं, तो हमारे नॉलेज में नहीं, लेकिन हमारे नॉलेज में ये आया था कि कुछ फाड़े जा रहे हैं, तो हमने कहा तुरंत रोक दो, तुरंत रोक दो, और रुक गए, हमारे पास पूरा तंत्र नहीं है, हम पूरे पावर में नहीं है, हम केवल टीचर है, ठीक है, देखो ऐसा जहाँ जहाँ फटा लगवा दीजिए, इतने इतने इनकम्पिटेंट है आप लोग, क्या बोलते हैं, हमारे पास चार्जिंग हम कुछ कर ही नहीं सकते, बहुत कुछ सकते हैं, ठीक है ना, रोक दिए जैसा नहीं बोला जाता है, ठीक है, कर बहुत सकते हैं, सुनो आप भी यही, हम भी यही, आप जो करना कर लीजिए, हम पोस्ट है अभी हजारों लगवा दीजिए, हम भी देख लेते हैं, हम भी हजारों पोस्टर लगवाएंगे, देखो हम लगवाएंगे, बात कुछ चीजें हम बोल रहे हैं, सुनोगे बात, अगर सुनना चाहते हो शांति से, जिस चीज का सोल्यूशन बातचीत से निकलता है, इस तरह झगड़ा झंड करने से, हाँ तो मतलब आप लोग ऐसी दावी कर रहे हैं, आप बताइए जो बच्चे धरने बैठे हैं क्या स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, स्टूडेंट, सुनो यार मेरी बात, सुनोगे मेरी बात, एक बार मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए तो पढ़ाते हैं, कुछ लोग वो भी कुछ कह के गए हैं, वो भी अभी उन लोगों से बात कर रहे हैं, फिर तुम लोगों को देखे, हम लोग पता नहीं था कि तुम लोग क्यों हो, लेकिन मैंने देखा कि हमारे बच्चे कुछ पढ़े हैं, तो हमें लोग ऐसे उतर के आ गए, हम तुम हमारे बच्चे हो, हमारा हर बच्चा हमारा बच्चा है, ध्यान रखो। दूसरी बात, अब रह गया कि विवाद क्या है, उस विवाद को सुलझाने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि दोनों पक्षों की बातें आएंगी, उन्होंने भी कुछ एप्लीकेशन दिया है, सुन लो यार, करवा के एप्लीकेशन, ये सब नहीं होता, बाबा साहब की यूनिवर्सिटी, बाबा साहब के, अरे कौन अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब अपमान नहीं है, कैसे पूछिए, बाबा साहब का अपमान हुआ तो पहला व्यक्ति मैं रहूंगा, हाँ तो अपमान सामने प्रतिज्ञा भारी है सर, इतना झूठ ना बोलिए, ऐसा बाबा साहब ये सब झूठ हटाइए, इतना बड़ा छोटा कर लिया, बताइए बताइए, झूठ हटाइए, फाड़ दे तो बाबा साहब, फाड़ कौन रहा, गार्ड ना, कौन गाड़ी फाड़ा ना, देख लीजिए गाड़ी फाड़ा, आपका गाड़ी है, आपका गार्ड फाड़ा, रख दो अच्छा, ऐसे ठीक है, वायरल कर दो,
अब तुम लोग मेरी बात सुनो, हम प्रोक्टोरियल बोर्ड की हम लोग मीटिंग बुलाएंगे, हनुमैया के समय में कोई प्रोफेसर कोई धार्मिक रिलीजन कोई कार्यक्रम नहीं होता था 2013 से पहले, ठीक है, जो आज ये धार्मिक स्थल बन गया, शिक्षा की जगह धार्मिक स्थल बना है, यही जा रहे हैं सबको, झूठ मत बोलिए, अब तुम हमको झूठा ही बोल रहे हो, आप लोग सर जो जब फटा है उसको लगवाइए आप, सर 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 जो फटा है आप लगवाइए, सर जो फटा है लगवाइए उसको, सर जो फटा है उसको लगवाइए आप लोग, अरे की बातें मत करो, वो लगाइए आप लोग लगाइए ना, आप ज्यादा नहीं हो सर, आप लोगों के ट्रक में ये सब हो रहा है, देखने पड़ रहा है हम लोगों को, आप ही लोग करवाते हैं सर, धैर्य रखो यार, नहीं धैर्य नहीं है, नहीं अब धैर्य नहीं बचा हमारे पास, आप लोग बात से कट के जा रहे हैं, हाँ तो उसको लगवाइए जल्दी से, इंजस्टिस किसी के साथ नहीं, हाँ तो उसको लगवाइए जल्दी से, इंजस्टिस कैसे, इनकी गाड़ी में लगाओ, हम भी देखते हैं, ढाई लाख रुपए ले रहे हैं, लगा दो मेरी गाड़ी में, हम लगाएंगे लगाएंगे गाड़ी में, सबकी गाड़ी में लगेगा, साहब के लगेगा तो मेरे को नहीं, आपको दिक्कत होगी देख लीजिएगा आने वाले समय, अरे सर हम भी आपके विचार धारा जान रहे ना, इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चार यहाँ जितने लोग हैं सब जानते हैं आपकी विचारधारा क्या क्या है बताओ, अरे हम भी जान रहे हैं, सबको सब बिना मतलब की बात है, बताने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब की बात है, कोई भी विचारधारा हर विचारधारा का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट करते होते तो ये नहीं होता, नहीं होता, अगर हम लोग इतने खराब होते हम लोग नहीं होते, हम भी यही रिस्पेक्ट करते, ये नहीं होता, हम नहीं बचता, यही बुला के गार्ड को, जो फाड़ा है गार्ड ही बुलाइए, खुद क्या कर सकते हैं, गार्ड सकता है, गार्ड को बुलाइए ना, गार्ड तो पीछे खड़ा है, ये अभी इन्हें पूछिए कैसे कहने पे फाड़े हैं, पूछिए मैं इंचार्ज है उसके सर्वसरी, आप पूछिए कैसे किए हैं, तो आपके कहने पर तो कहीं इनकी हिम्मत हो गई है, हम कह रहे हैं आज लगाऊंगा जो इसको